प्रभु आपके शरण में हर काम हो रहा है। तो लोग गाइस वेलकम टू अनदर ब्लॉग, आप देख रहे हैं मेरे चैनल हाईएस्ट। फिर से मैं आप लोगों के लिए एक नया सा ब्लॉग लेके आ गया हूँ और आप लोगों को ले चलता हूँ जहाँ जाने के लिए हर कोई बेचैन होता है और वहाँ जाने के बाद एक अलग से सुकून सबको मिलती है। तो वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए कि मैं आप लोगों को कहाँ लेके चल रहा हूँ। देखो मैं वहाँ चल रहा हूँ जहाँ जाने के बाद आपको एक अलग लेवल की सुकून आएगी और यार प्रभु आपके शरण में हर काम हो रहा है। तो यार चलो आपका भी काम होगा और ले चलते हैं आपको, आपको दर्शन कराएंगे प्रभु के। यार फाइनली मेट्रो पहुंचने के बाद एक अलग सी फीलिंग आती है क्योंकि आप मेट्रो से तो यार थोड़ा सा क्राउड होता है मेट्रो में, बट आप टाइमली पहुंच जाइएगा अपने डेस्टिनेशन पे। तो मैं लेके चल रहा हूँ आप लोगों को अपने डेस्टिनेशन पर जहाँ जाना है, जिसके लिए हम वेट कर रहे हैं। तो चलिए मैं लेके चलता हूँ। अभी मैं पहुंच चुका हूं राजीव चौक मेट्रो स्टेशन, जो कि यहां का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है जहां मैं चल रहा हूं। तो अगर आपको आना है तो आप भी मेट्रो से आते हैं तो राजीव चौक उतर के यहां पे इजीली आ सकते हैं। वॉकिंग डिस्टेंस है 500 मीटर्स है। उसके बाद अगर आप अपने ट्रांसपोर्टेशन से आते हैं तो खड़गपुर रोड पर ये पड़ेगा। तो अपने ट्रांसपोर्टेशन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से भी आ सकते हैं, कोई इशू नहीं। ले चल रहा हूँ और दिखाता हूँ आप लोगों को कि मैं कहाँ हूँ। अभी मैं आ गया हूँ सीपी कनॉट प्लेस, जो बहुत देर से इंतज़ार कर रहे थे आप देखने के लिए मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो अभी मैं प्राचीन हनुमान मंदिर में हूँ जो कि सीपी के राजीव चौक में पड़ेगा। इस मंदिर की बात करें तो इस मंदिर की खासियत है कि यहाँ पे जो भी श्रद्धा और भाव से मांगते हैं आप पूरी हो जाती है। इस मंदिर के बारे में जाने तो मंदिर पांडवों ने बनवाई थी, प्राचीन काल में पांडवों ने 5 मंदिर बनवाई थी जिसमें से एक ये बजरंग बली का मंदिर है। तो चलते हैं अंदर और जानते हैं कि क्या मंदिर में है और कैसे हमारे प्रभु दिखते हैं। तो वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए, मैं एक एक चीज़ करके दिखाता हूँ और एक एक चीज़ आपको बताऊँगा। ले चलता हूँ अंदर, वीडियो में बने रहिए। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आपको निःशुल्क शू चप्पल जो भी रखने का यहाँ पर आपको सुविधा मिल जाएगा, तो ईज़िली आप रख सकते हैं। बैग वैग भी कैरी करके यहाँ पर रख सकते हैं और उसके बाद से मंदिर परिसर के अंदर जा सकते हैं। मंदिर परिसर के जस्ट सामने ही है तो आपको कोई असुविधा नहीं होगी रखने में। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मैं अभी लाइन में लगा हूँ और लाइन में लगने के साथ साथ अगर मंगलवार शनिवार को आप जब भी आते हैं तो यहाँ पे काफ़ी क्राउड रहता है। क्राउड इन द सेंस भक्तों की काफ़ी ज़्यादा संख्या रहता है दर्शन करने के लिए। अगर आप दूसरे दिन में आते हैं तो आपको इतना भीड़ फेस नहीं करना पड़ेगा, कम भीड़ आपको देखने को मिलेगी। मेरे साथ बने रहिए, मैं ले चलता हूँ आपको प्रभु की एक सुंदर सी झलक दिखाता हूँ अंदर और आप भी मेरे साथ साथ उनके चरणों में अपने आप को समर्पण की दीजिए। महादेव मंदिर में काफ़ी भीड़ है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं आज मंगलवार है, मंगलवार शनिवार को यहाँ पे काफ़ी क्राउड रहता है, काफ़ी भीड़ रहता है भक्तों का यहाँ पे दर्शन करने के लिए। मैं अभी चल रहा हूँ, दिखाता हूँ एक एक चीज़। मैं तो दर्शन कर लिया हूँ, आप यहाँ पे आइए, आप भी आकर दर्शन कीजिए और अच्छे से कुछ भगवान से मांगिए, आपका मनोकामना जरूर पूरा होगा। मैं चल रहा हूँ और दिखा रहा हूँ। और इस मंदिर के बारे में जाने तो इस मंदिर की एक बहुत असीम कथा है और यहाँ पे माना जाता है कि तुलसीदास जी ने यहीं पे आके हनुमान चालीसा का संरचना किया था, उसको लिखा था। तो यहाँ पे उस मंदिर को और बड़ा और एक अलग महत्व देता है। तो मैं चल रहा हूँ, एक एक चीज़ आप लोगों को दिखा रहा हूँ।
आप यहाँ पे आते हैं तो आपको एक मंदिर नहीं, काफ़ी सारे मंदिर, गणेश जी के, प्रसिद्ध शिव मंदिर यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। चार पांच मंदिर हैं यहाँ पे बजरंगबली के प्राचीन और फेमस मंदिर है, इसलिए सब वहीं आते हैं और दर्शन करते हैं। साथ साथ आइए तो आप यहाँ भी दर्शन कर सकते हैं। तो आप भी आइए, जय श्री राम, आप भी आइए तो यहाँ पे दर्शन कीजिए और अपनी मनोकामना पूर्ण कीजिए। जो भी यहाँ पे श्रद्धालु श्रद्धा और मन भाव के साथ आता है तो बजरंगबली अपनी असीम कृपा अपने भक्तों पे बनाते हैं। इस मंदिर की इंडिया में ही नहीं, पूरे भारत में नहीं, विदेशों तक इस मंदिर की एक अलग छवि है। यहाँ पे विदेश से भी काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं और दर्शन करते हैं। अभी मैं निकल चुका हूँ बाहर और चलते चलते चलिए आपको कुछ जानकारी दे देता हूँ। जैसे हमारे पुराण और ग्रंथों से जानकारी मिली कि तुलसीदास जी दिल्ली दौरे के दौरान इस मंदिर का भी उन्होंने दर्शन किया था, बाल स्वरूप बजरंगबली का उन्होंने दर्शन किया था और यहीं बैठ के उन्होंने हनुमान चालीसा का संरचना किया था, हनुमान चालीसा को लिखा था। तो ये और ख़ास बना देती है इस मंदिर को, इस मंदिर की पहचान को, इस मंदिर के बारे में ये जानकारी। आप जब भी आइए तो इस मंदिर में दर्शन कीजिए और काफ़ी सारी जानकारी मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ और दिखाने के। आप अगर क्राउड में आना चाहते हैं, मंगलवार और शनिवार को काफ़ी यहाँ पे श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है, तो आप अगर भीड़ से बचना चाहते हैं तो आप दूसरे दिन आके दर्शन कर सकते हैं, नहीं तो आप भीड़ में भी मंगलवार शनिवार को आते हैं तो आपको थोड़ी सी क्राउड देखने को मिलेगी। मैं अभी समय हो गया घर निकलने का, काफ़ी देर से मैं यहाँ पे हूँ, आपको काफ़ी जानकारी दे चुका हूँ कैसे आना है। यहाँ पे आप दर्शन कर सकते हैं बजरंगबली का और दर्शन करने के बाद आपको एक अलग लेवल की फील, अलग लेवल की एनर्जी मिलेगी और आप जो यहाँ पे आप मांगते हैं तो आपका मे भी उस पूरा हो जाए। मैं अभी चल रहा हूँ, निकलने का समय हो गया है, तो तब तक के लिए सबको जय श्री राम, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, चलिए सबको बाय।